हाय एवरीवन, तो क्या आप भी बालों में तेल नहीं लगाते हो? आप सोचते हो कि तेल लगाने से बाल ख़राब होते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तेल नहीं लगाने से बाल ख़राब होते हैं। आपको आपके बालों को तेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको अपने बालों में तेल हमेशा डालना चाहिए, क्योंकि इसका लाइव प्रूफ है मेरे पास। क्योंकि जब मैं तेल नहीं लगाती थी, मेरे बाल बहुत ज़्यादा झाड़ू की तरह डल हो गए थे। बट जब से मैंने तेल लगाना शुरू किया है, ऑयलिंग करनी शुरू किया, बालों में ऐसा लगता है कि साइन आ गया है, जान आ गया है, बाल काफ़ी सॉफ्ट लग रहे हैं, हेयर फॉल भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। आपको ज़रूरी नहीं कि तेल में बहुत सारी चीज़ें ऐड करके लगाओ, सिंपल कोकोनट ऑयल ले सकते हो। मेरे पास ये देखिए बजाज का भी कोई हैवी ब्रांड भी नहीं है, बजाज का कोकोनट ऑयल है। इसको मैं अपने बालों में लगाती हूँ और बस रात भर के लिए छोड़ती हूँ, सुबह वॉश कर लेती हूँ। कैसे करती हूँ पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेगा, ताकि किसी तरीके की हेल्पफुल जानकारी आप लोगों से मिस ना हो। अभी थोड़े दिन पहले आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हो तो आप देख रहे हो मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई, डैमेज और बहुत झाड़ू की तरह दिख रहे थे। बट जब से मैंने दो तीन बार से ऑयलिंग करनी स्टार्ट की है, हेयर फॉल भी काफ़ी हद तक कम हो गया है एंड बाल में भी काफ़ी अच्छी साइन ऐड हो रही है। लग रहा था मेरे बाल ऐसे जल गए हैं, दोबारा कभी ठीक ही नहीं होंगे, बट जब से मैंने ऑयलिंग करनी स्टार्ट किया। लेकिन ऑयलिंग भी आपको किस तरीके से करनी है वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में बता रही हूँ। सबसे पहले आपको ऑयलिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में करनी है, पूरा बालों और जड़ आपके ऑयल से भीग जाने चाहिए। जब भी आप वैसे तो ऑयल हमेशा लगा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा ऑयल लगा के रखोगे तो आपके बालों पे डर्ट, धूल, मिट्टी वगैरह इकट्ठी होगी, जिससे आपकी हेयर फॉल की समस्या बढ़ सकती है। बट आप रात में ऑयलिंग करो, बहुत सारा ऑयलिंग करो एंड सुबह नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर दो। शैम्पू लगाते टाइम ध्यान रखिए कि शैम्पू बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, उतना ही लगाना है जितना कि आपके बालों से ऑयल और डर्ट को निकाल सके। ये नहीं कि बहुत सारा शैम्पू लगाओ और बालों को बिल्कुल ड्राई कर दो, ऐसा नहीं करना। तो आप डिटेल में वीडियो देखिए, पूरा एंड तक वॉच कीजिए, आपको एक एक चीज़ की जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। तो इस तरीके से मैं बालों में ऑयलिंग कर रही हूँ, मांग निकाल के पूरा जड़ों में इस तरीके से तेल को इस तरीके से गिरा देना है और इसको मसाज करना है, जिससे कि जड़ों में तेल अच्छे से चली जाए। आप चाहे तो बाल तेल को हल्का सा गर्म करके भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैं ऐसे ही अप्लाई करती हूँ, इतना भी काफ़ी है। अगर आप इतना भी अपने बाल को केयर करते हो तो कई लोग बोलते हैं मैं तो तेल ही नहीं लगाती, मेरी बाल तो बहुत अच्छे हैं ये वो, लेकिन आपका जरूरी नहीं कि सबके बाल अच्छे हैं। जैसे और लोगों के बाल अच्छे हैं तो आपके भी अच्छे हों। सबका अलग अलग रूटीन होता है, सबका अलग अलग हेयर है, अलग अलग स्किन है, तो सबको अलग अलग केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो कई लोगों का होता है हेल्दी होते हैं काफ़ी ज़्यादा ही, बचपन से ही हेयर एंड काफ़ी लंबे घने होते हैं, तो उनको देख के हम लोग अपनी केयर तो नहीं छोड़ सकते ना, उनका विदाउट केयर भी वैसे ही हेयर रहता है। बट हमारे बालों को केयर की ज़रूरत पड़ती है, तो हम इस तरीके से बालों में अपने ऑयल करेंगे। इस तरीके से जैसे मैं बहुत सारा ऑयलिंग अपने बालों में कर रही हूँ, इसी तरीके से आपको भी करना है। पूरा अच्छे से ऑयलिंग करना है। आप अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है तो आप इसमें विटामिन ई की कैप्सूल ऐड कर लीजिए, बहुत ज़बरदस्त आपको फ़ायदा देगा वो, और आपके जो झड़े हुए बाल हैं वो भी दोबारा से उगने लग जाएंगे विटामिन ई की कैप्सूल लगाने से। मेरे पास अभी नहीं है, ख़त्म हो रखा है, इसलिए मैं नहीं लगा रही, नहीं तो मैं हमेशा लगाती हूँ विटामिन ई की कैप्सूल ऐड करके बाल में। तरीके से जड़ों में ही मांग निकाल निकाल के आपको ऑयलिंग को करना है। आप देख सकते हो फ्रंट में मेरे बालों में काफ़ी ज़्यादा ऑयल लग गया है, और बालों में ऑयलिंग करने के बाद इस तरीके से आपको थपथपाना है। इससे क्या होगा कि जो आपके ऑयल है आपका वो जड़ों में जाएगा और अपना वर्क कर पाएगा और आपके बालों पर अच्छा वर्क दिखा पाएगा। अब इसी तरीके से आपको बैक साइड में भी ऑयलिंग करनी है। आज मैं बता दी बालों में तेल और शैम्पू लगाने का बिल्कुल सही तरीका, ये अगर आप करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और बैक साइड भी आपको अच्छे से ऑयलिंग करनी है। अब आप सोच रहे हैं इतनी गर्मी में तेल कौन लगाता है, बट जिसके बाल डैमेज हो जाए, ड्राई हो जाए, उनको तो लगाना ही पड़ेगा। गर्मी से तेल का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आप सोचोगे कि आप तेल लगा रहे हो तो आपका बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑयलिंग करने से बाल अच्छे ही होते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। बस आपको जो तेल सूट करता है आपको लगाइए, नारियल तेल, सरसों का तेल सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सरसों का तेल। और अगर आपको सरसों का तेल लगाने में कोई दिक्कत आती है, नहीं लगा पाते हो, तो आप नारियल तेल लगाओ, नारियल तेल तो और स्किन पे सूट करते हैं।
लगाने के बाद आपको कम से कम 5 से 10 मिनट तक मसाज जरूर करना है अपने बालों में, और जड़ में तो आपने लगा लिया, लेंथ में भी जरूर लगाइए ताकि जो आपके डैमेज हेयर हैं वो दोबारा से रिपेयर हो पाए, सॉफ्ट हो पाए, झाड़ू जैसे बाल आपके दोबारा से साइन कर पाएँ। तो इस तरीके से बालों को ऑयल को हाथ में भी ले लीजिए। इस तरीके से पूरे बालों में लगा लीजिए। इसको मैं रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ूंगी एंड सुबह वॉश करूंगी। लाइट कट गई है इसलिए अंधेरा दिख रहा है, तो थोड़ी देर से खिड़की खुली हुई है इसलिए लाइट रोशनी आ रही है। इस तरीके से आपको बालों में पूरा ऑयलिंग को करना है एंड इसके बाद से मैं सुबह वॉश करूंगी, और वॉश करते टाइम भी बताऊंगी कि कैसे आपको वॉश करना है बालों में, शैम्पू कैसे लगाना है। अगर नहीं बताऊँ तो आप उतना ही शैम्पू यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा शैम्पू यूज़ मत कीजिए जिससे बालों में बहुत ज़्यादा झाग हो जाए। आप नॉर्मल शैम्पू यूज़ कीजिए जिससे बस आपके डर्ट और ऑयल निकल पाए, आपके बालों का एक्स्ट्रा मॉइस्चर ना निकले, आपके बाल ड्राई ना हो, रफ ना हो, बेजान ना हो, इसके लिए शैम्पू बहुत ज़्यादा मात्रा में मत कीजिए, उतना ही लगाइए जितने में आपके बाल साफ़ हो रहे हैं। यहाँ पे आपको बालों की क्वांटिटी कम होगी और मसाज जरूर कीजिए इस तरीके से ताकि नए बालों की ग्रोथ हो पाए और नए बाल उग पाए। अब मैंने ऑयलिंग अच्छे से कर ली है, बालों को रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे एंड सुबह में वॉश करेंगे। पूरी बालों को इस तरीके से ऊपर की तरफ से कॉम करूँगी मैं, कॉम नहीं करेंगे तो तेल लगा देता हूँ, हाथों से हाथों से ही बालों को ऊपर की तरफ तेल ले जाना है और कोनी या रबर बैंड लगा के टाइटली ऐसे ही सिक्योर कर देना है। यहाँ पे मैं क्लचर ऐड कर लूँगी, आपको जैसे सिक्योर करना है वैसे कर सकते हो। इसी तरीके से मैं रात भर के लिए छोड़ दूँगी बालों को एंड सुबह इसको शैम्पू से वॉश करूँगी, और उसके बाद आपको मैं रिजल्ट बताऊँगी कैसा होता है। रिजल्ट तो मैं वैसे पहले ही बता दी कि अच्छा होता है ऑयलिंग करनी चाहिए बालों को। आपको वीडियोज़ में कई वीडियोज में बताते हैं कि ऑयलिंग नहीं करना चाहिए, बट मैं बता रही हूँ आपको ऑयलिंग करना चाहिए बालों में। अगर आप चाहते हो आपके बाल लॉन्ग हो, हेल्दी हो, घने हो, तो आपको ऑयलिंग करना चाहिए वीक में कम से कम 2 बार। ठीक है, फिर मिलते हैं। तो नेक्स्ट डे सुबह मैं यहाँ पे हेयर वॉश करने जा रही हूँ। ये है जॉय का हेयर फ्रूट शैम्पू। इसमें आपको एक चीज़ ऐड करनी है, अगर आपके पास बहुत बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, डैमेज हैं, बहुत रुखे रुखे लगते हैं, तो उसमें आपको ये ग्लिसरीन ऐड करनी है। ग्लिसरीन आपको कहीं भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, तो आपको ग्लिसरीन लेना है 1 चम्मच के करीब, बट इसको दबाने से निकल नहीं रहा था तो मैं इसका ढक्कन खोल के ही इसको पानी में ऐड कर लूँगी। देखिए इतना सा आपको ऐड करना है 1 चम्मच तक, और उसके बाद आपको शैम्पू लेना है, इतना शैम्पू लेना है कि आपके बालों से ऑयल और डर्ट निकल जाए, एक्स्ट्रा नहीं लेना है जिससे कि आपके बाल ड्राई हो जाएं। ओके, तो मैंने इतना सा शैम्पू लिया है अपने बालों के अकॉर्डिंग, आपके बाल जितना है उसके अकॉर्डिंग आप शैम्पू ले लोगे और उसको अच्छे से मिक्स कर दोगे। मग में मैंने पहले से पानी रखा हुआ था, शैम्पू ग्लिसरीन और पानी को मैंने मिक्स कर दिया है, और यहाँ से आ रही थी सूर्य की धूप जिसकी वजह से वीडियो क्लियर नहीं आ रही थी, तो मैं यहाँ पे पहले इसको वीडियो को क्लियर करने के लिए यहाँ पे कुछ लगा देती हूँ जिससे कि सूर्य की जो रोशनी है वो कैमरे पे ना पड़े और वीडियो अच्छी आए। तो यहाँ पे मैंने अपना सूट लिया था और सूट को मैंने यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया जिससे कि सूर्य की जो रोशनी थी वो ढक गई और वीडियो क्लियर आने लग गया था। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने लगा दिया है। अभी मैं हेयर को वॉश करूँगी। तो ये ग्लिसरीन एंड ये ग्लिसरीन मैंने ऐड किया था 1 चम्मच तक, और जॉय का शैम्पू लिया है ब्लैक वाला एंड मग में मिक्स कर लिया है 3 पानी, जॉय का शैम्पू एंड ग्लिसरीन सबको। अब थोड़ा थोड़ा शैम्पू इस तरीके से बालों में डालेंगे। डायरेक्ट शैम्पू कभी भी आपके स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए, उससे क्या होता है आपकी स्किन पे डायरेक्ट शैम्पू जाती है तो स्कैल्प बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाता है जिसकी वजह से आपके हेयर फॉल होने लग जाते हैं। तो शैम्पू को पानी में मिक्स करके ही इस तरीके से अप्लाई करना है आपको, तो अच्छे से कम 2 से 3 मिनट तक अपने बालों में शैम्पू को लगा के मसाज करना है।
और जो शैम्पू का झाग निकलेगा उससे ही बालों की लेंथ को भी साफ़ कर लेंगे ऐसे। ओके, अब इस तरीके से अच्छे से साफ़ करना है। कई लोग सोचते हैं ऐसे रगड़ेंगे तो हमारे बाल झड़ेंगे, बट नहीं, जैसे हम लोग अपने फेस को साफ़ करते हैं, बॉडी को साफ़ करते हैं, वैसे ही बालों के जड़ों को भी साफ़ करना ज़रूरी होता है। उसके लिए जब भी आप शैम्पू लगाओ तो इस तरीके से बालों में मसाज ज़रूर दें, जिससे कि जितना भी ऑयल और डर्ट है वो निकल जाए आपके जड़ों से और आपके बाल हेल्दी रहें। अगर आपके स्कैल्प हेल्दी हैं तो आपके बाल भी हेल्दी रहेंगे। स्कैल्प में इचिंग है, खुजली हो रही है, गंदगी है, डर्ट है, ऑयल है, तो ऑटोमेटिकली आपके बाल झड़ने लग जाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप शैम्पू करें तो अच्छे से शैम्पू को करना चाहिए, अच्छे से स्कैल्प को साफ़ करना है। ओके, तो इस तरीके से मैं साफ़ कर रही हूँ अपने बालों को अच्छे से कम 2 से 3 मिनट तक आपको मसाज देना है इसी तरीके से। तो इस तरीके से मैं अच्छे से रब कर रही हूँ बालों में पूरा शैम्पू को, तो इसी तरीके से अच्छे से रब करते रहेंगे जब तक आपको हो ना जाए कि हाँ हमारे बाल साफ़ हो चुके। तो आपको भी इसी तरीके से साफ़ करना है और 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही रब करना है, फिर 2 मिनट तक आप छोड़ दोगे ताकि आपका शैम्पू और ग्लिसिन का वर्क आपके जड़ों को हेल्दी बना सके। उसके लिए तो मैंने इस तरीके से लगा लिया है। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से इसको वॉश करोगे। तो इसी तरीके से आपको बालों को अच्छे से रब करते रहना है जब तक आपको अच्छे से फील ना होए कि आपका हेयर क्लीन हो चुका है, तब तक आप रब करोगे एंड बालों में शैम्पू को इसी तरीके से लगा के 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दोगे। ओके, और जब आपका 1-2 मिनट बीत जाए उसके बाद आपको बालों को अच्छे से नॉर्मल पानी से वॉश करना है। तो इस तरीके से मैं नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर रही हूँ, आपको भी ऐसे ही धोना है अपने बालों को। और आप इस ग्लिसरीन और शैम्पू ऐड करके बालों को वॉश करते हो तो आप देखोगे धीरे धीरे आपके बालों की जो बालों का जो रूखापन है वो ख़त्म होने लग जाएगा और बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होने लग जाएंगे और हेयर फॉल भी काफ़ी हद तक रुक जाएगा, डैंड्रफ भी काफ़ी हद तक रिमूव हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से बालों में ऑयलिंग और शैम्पू हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर कीजिए एंड बालों की जो क्वालिटी है उसको सुधारिए और काफ़ी हेल्दी स्ट्रॉन्ग। आप बोलोगे कि आपके बाल तो खुद छोटे हैं, बट आपने देख आप मेरी वीडियो पे अगर लंबे टाइम से हो तो आपको पता होगा कि मैं बालों को हर 2 मंथ में 3 मंथ में कट करते रहती हूँ, जिसकी वजह से मेरे बाल लंबे नहीं हो पाते हैं, नहीं तो मेरे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। एंड अभी मैं बालों को लंबा भी कर रही हूँ तो आप लोग को रिजल्ट भी देखने को मिलेगा थोड़े दिनों में, और मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट थे अभी काफ़ी लंबे हो चुके हैं। इस तरीके से क्लचर से मैंने बालों को होल्ड कर लिया है एंड नहा के मिलती हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ एंड बालों को वॉश कर लिया है और बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी लग रहे हैं अभी मैंने बालों में। अगर आप भी बालों को वॉश करते हो तो इस तरीके का जो कॉटन वाला दुपट्टा होता है या कॉटन टी शर्ट होता है उससे बालों को लपेट के छोड़िए। काफ़ी हैवी टॉवल, जैसे पीछे टॉवल लटका हुआ है वैसा टॉवल यूज़ नहीं करना क्योंकि वो बालों में काफ़ी ज़्यादा हैवी लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।